हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित सिंह और मैं आज आप लोग के बीच में लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इलेक्ट्रॉन बोल्ट किसे कहते हैं, कुछ और चीज़ें भी मैं बताऊंगा इलेक्ट्रॉन बोल्ट के अलावा। उससे पहले बेटा, ये जो पूरा ये चीज़ है जो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग ये आप देख रहे हो व्हाइट बोर्ड पर, इसका पहले आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, फिर मैं जो समझाऊँ मिट जाए, बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित सिंह आप लोग के बीच में आया हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था, मैं रेगुलरली लगभग रोज़ के रोज़ मैं अपना लेक्चर लूँगा अगर मेरा तबीयत सही रहा तो। तो मुझे जो आज बताना है, वो आज बताना है आपको इलेक्ट्रॉन बोल्ट के बारे में। तो बेटा, इलेक्ट्रॉन बोल्ट को जानने से पहले कुछ चीज़ हम ये जान लेते हैं, इलेक्ट्रॉन बोल्ट होता क्या है, ठीक है। देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉन बोल्ट जो होता है, जितना पॉइंट मैं बता रहा हूँ चाहे आप इसको नोट कर लीजिएगा, चाहे आप इसको अच्छे से कहीं पर रख लीजिएगा, बेटा इलेक्ट्रॉन बोल्ट जो होता है यह एक ऊर्जा का मात्रक होता है, ऊर्जा अथवा कार्य का मात्रक होता है। ध्यान से सुनिएगा, बोल्ट देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा कि बोल्ट है तो, बहुत लोग बोल्ट देख के कन्फ्यूज हो सकते हैं कि बोल्ट तो विभव या विभवांतर का मात्रक होता है, इसलिए बोल्ट को वह लगा सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक इलेक्ट्रॉन बोल्ट जो होता क्या है। उससे पहले मैंने बता दिया, इलेक्ट्रॉन बोल्ट जो होता है बेटा ऊर्जा अथवा कार्य का मात्रक होता है, यह एग्जाम में पूछा जाता है। सेकंड पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, इलेक्ट्रॉन बोल्ट बेटा परमाणु भौतिकी में इसका प्रयोग किया जाता है। परमाणु भौतिकी कहने का तात्पर्य है जहाँ पर न्यूक्लियर वगैरह के काम होते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉन बोल्ट का कार्य होता है। और इलेक्ट्रॉन बोल्ट बेटा ऊर्जा का बहुत ही छोटा मात्रक होता है। क्या बताया हमने, इलेक्ट्रॉन बोल्ट बेटा ऊर्जा का बहुत ही छोटा मात्रक होता है। अब मैं आपको बताने से पहले एक बार पढ़ के बताऊँगा, उसके बाद मैं व्हाइट बोर्ड पर आऊँगा। लिखा गया है ऊपर, देखिए ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन बोल्ट वह कार्य अथवा ऊर्जा भी कर सकते हो। एक इलेक्ट्रॉन बोल्ट वह कार्य है अथवा ऊर्जा है जो कि किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, एक इलेक्ट्रॉन बोल्ट वह कार्य है जो कि किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। इसके अलावा भी आप एक डेफिनेशन और बता सकते हो, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो। ये देखिए शॉर्ट में लिखा है, एक ई भी, स्मॉल ई है, भी है, इसको हम ई बोलते, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, भी मतलब बोल्ट, इसको हम बता सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन बोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन एक बोल्ट विभवांतर त्वरित होने पर अर्जित करता है। अब यहाँ आपने देखो कुछ वैल्यूज लिखी गई हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर आवर बेटा होता है 1.6×10⁻¹ जूल, और एक किलो, देखिए शॉर्ट में हमने कुछ बड़े मात्रक लिखे हैं। बड़े मात्रक कहने का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बेटा बड़े मात्रक होते हैं। केक मतलब किलो, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, बी मतलब बोल्ट। तो एक किलो इलेक्ट्रॉन बोल्ट बराबर होता है 10³ इलेक्ट्रॉन बोल्ट, और एक मेगा इलेक्ट्रॉन बोल्ट बराबर एक मिलियन इलेक्ट्रॉन बोल्ट बराबर होता है 10⁶ इलेक्ट्रॉन बोल्ट। और बी है, वहाँ लिखा है एक बी ई भी, एक बिलियन इलेक्ट्रॉन बोल्ट बराबर होता है 10⁹ इलेक्ट्रॉन बोल्ट। चलिए अब मैं फेस कर रहा हूँ आप लोग को, देखिए इसे डिफिनेशन को मैंने बताया, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो कि किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, और एक अथवा करके बता सकते हो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन एक बोल्ट विभवांतर त्वरित होने पर अर्जित करता है। मैं यहाँ बताना चाहूंगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6×10⁻¹। इस टॉपिक में सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जाता है बेटा इलेक्ट्रॉन बोल्ट किसका मात्रक होता है, इलेक्ट्रॉन बोल्ट किसका मात्रक होता है, तो आप सिंपली ऊर्जा बताओगे, या अगर कार्य ऑप्शन में होगा तो कार्य लगाओगे। अब जरा ध्यान देना, कार्य ऊर्जा कोई भी हो, बाहरी ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो, किसी भी प्रकार की हो, इलेक्ट्रॉन बोल्ट सबका मात्रक होगा। कार्य भी कैसा भी हो, मैटर नहीं करता है कि वह आंतरिक कार्य है या किसी और प्रकार का कार्य है, सबका मात्रक क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। अब मैं आपको बताने चल रहा हूँ कि यह बेटा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6×10⁻¹ आया कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा स्पेस ही बनाऊंगा। हमको बेटा पता है विभवांतर की परिभाषा के अनुसार, हम जानते हैं, फॉर्मूला पढ़ चुके हैं
वी ए माइनस वी बी बराबर होता है डब्ल्यू बटे क्या क्यू नॉट। यहां हमको क्लियर पता है कि डब्ल्यू बेटा जो है डब्ल्यू कार है और क्यू नॉट क्या है, यहां पर क्यू नॉट आवेश है, परीक्षण आवेश है। इस पॉइंट को मैं यहां लिखने का प्रयास करूंगा। यहां से W और बेटा आ जाएगा वी ए माइनस कितना वी बी इंटू कितना क्यू नॉट। अब आइए डिस्टिंक्शन में आइए। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार है जो कि किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिन से दूसरे बिन तक ले जाने में किया जाता है। इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस डिफिनेशन से और क्लियरिफाई होगा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गति ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट विभवांतर त्वरित होने पर अर्जित करता है। यानी ये वी ए माइनस वी बी जो है ये तो विभवांतर प्रदर्शित कर रहा है, तो हम W बराबर लिख सकते हैं बेटा वी ए माइनस वी बी का मान कितना है एक वोल्ट। कितना दिया गया है, क्योंकि दिया गया है एक वोल्ट विभवांतर पर यह क्या करता है अर्जित करता है, तो वी ए माइनस वी बी का मान एक वोल्ट। और जान रहे हो क्यू नॉट बराबर जो दिया गया स्मॉल ई दिया गया, यानी इलेक्ट्रॉन दिया गया है ई, और इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। कितनी होती है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ये दोनों वैल्यूज पुट यहां पर उठा के रखिए तो आएगा आपका एक वोल्ट गुड़े 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा बेटा एक एक को एक गुणा करोगे तो ही बचेगा 1.6 × 10⁻¹⁹ और यहां से मिला आपको वोल्ट कूलम। कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए, वोल्ट विभवांतर का मात्रक होता है और कूलम आवेश का मात्रक होता है। अब वोल्ट कूलम जो मात्रक होगा वो कार्य का मात्रक होगा। कैसे होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है वी ए माइनस वी बी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू नॉट, तो डब्ल्यू आर होगा वी ए माइनस वी बी इंटू क्यू नॉट, और वी ए माइनस वी बी विभवांतर है इसलिए इसका मात्रक वोल्ट, क्यू नॉट एक आवेश इसलिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा कूलम। तो वोल्ट कूलम किसका मात्रक बनेगा कार्य का, इसलिए हम यहां लिख सकते हैं W बराबर 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। और इसको इक्विवेलेंट हम मान सकते हैं, हम सॉल्व किसको कर रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ही सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट और बेटा होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। इसमें कुछ और चीजें भी हैं, एक किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10³